हेलो फ्रेंड, दिस इज सतीश नामदेव एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वीडियो। मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से वैकेंसी लेके आया हूं, जो कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इसी क्रम में मैं जो भी वैकेंसी लेके आया हूँ वह आई हुई है कन्नूर यूनिवर्सिटी, केरल में है, तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले वेबसाइट की बात करते हैं, यहाँ पर तो kannuryuniversity.ac.in, जैसे गूगल में सर्च करेंगे कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जैसे आपके पास शो हो रही होगी। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे वेबसाइट आपकी शो हो रही है, यहाँ पर टॉप में लिखा है जॉब्स। जॉब को जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का एक लिंक, पूरा फॉर्म न्यू पेज ओपन हो जाएगा जॉब नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैकेंसी आई हुई है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो मैं उसके डिटेल्स में बात करूंगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, फी कैसे पेमेंट करें, उसकी सारी डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा यूनिवर्सिटी का एंड ऑनलाइन फॉर्म का, नोटिफिकेशन का, जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम री एडवर्टाइजमेंट जो यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है आपके लिए, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आई हुई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर हम बात करेंगे री नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर री नोटिफिकेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जैसे शो हो रहा है। कन्नूर यूनिवर्सिटी का है, एकेडमिक ब्रांच का है, तो यहाँ पर आई हुई है जो वैकेंसी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है यहाँ पर आपको जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, पहले 2015 में नोटिफिकेशन आया हुआ था एकेडमिक B3/CTP159114I। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है एंड आपके जो एक वैकेंसी अदर आई हुई है इसमें एकेडमिक जो आप देख सकते हैं सिस्टम में आई हुई है, इन दोनों की वैकेंसी को कंबाइन करके एक साथ आपको यहाँ पर एक वैकेंसी आई हुई है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों का कमाई करके आई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी वैकेंसी आई हुई है उनको सबको कंबाइन कर दिया गया है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अगर जिन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो उन्हें आप फ्रेश अप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, बट नॉट नीड पे द अप्लीकेशन फी, वहां पर आपको अप्लीकेशन फी पे नहीं करना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं एप्लीकेशन फी नहीं, उन्हें पे नहीं करना होगा जिन्होंने पहले से ये 2-3 एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। वो जो अप्लाई करेंगे उनको नहीं पे करना पड़ेगा, ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई किया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि नोटिफिकेशन जो आया है वो किसके बारे में। यहाँ पर नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पर आपको सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हुई आई हुई है। इसका अगर नोटिफिकेशन नंबर बात किया जाए तो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है अकेडमिक B3/10808/2018-3। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी आई है, पे लेवल 13 है, 7th सेंटर पे कमीशन के पेमेंट है, तो आपको यहाँ पर अच्छा पेमेंट भी बात की गई है। यहाँ पर आपको लास्ट डेट की बात की गई बताई गई है 25 अक्टूबर 2019 तक आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म है, मैं ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके फॉर्म फिलअप होगा सारी प्रोसेस बताऊंगा स्टेप टू स्टेप। आप मेरे को वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट बात में है पोजीशन ऑफ वैकेंसी, यहाँ पर पोजीशन की वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर स्टडी इन इंग्लिश, लॉ, बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, बिहेवियर, एनवायरमेंट, हिंदी एंड एम। बट हम यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें, यहाँ पर है 1 वैकेंसी है, टोटल 1 वैकेंसी है ओपन कैटेगरी की। इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, केरल स्टेट एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सबसे 1 वैकेंसी आई हुई तो यहाँ पर अच्छे से हम देख सकते हैं। यहाँ पर अब्रीविएशन दिया है ओसी मीन ओपन कंपटीशन, तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया हुआ क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के ये है, तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लाइब्रेरी साइंस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है लाइब्रेरी साइंस का। तो यहाँ पर एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ PhD डिग्री इन द कंसर्न अलायंस रिलेटिव डिसिप्लिन। अगर लाइब्रेरी साइंस आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर अदर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिलेटिव डिग्री होनी, PhD डिग्री होनी चाहिए। अब साथ में मास्टर डिग्री 55% में होनी चाहिए
एंड आपको 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग एंड रिसर्च एंड एकेडमिक एंड पोजीशन में। तो आप यहाँ पर से आप अगर क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, तो जो आपका गाइडलाइन एंड फॉर स्क्रीनिंग दिया हुआ है, आपको किस तरीके से आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा आप यहाँ पर से देख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए मेथोडोलॉजी एंड कैलकुलेशन एकेडमिक एंड रिसर्च स्कोर सबसे पहले देख लेंगे। यहाँ पर एकेडमिक रिसर्च एंड एक्टिविटीज है, तो यहाँ पर हमें एक्टिविटीज दी हुई है, रिसर्च एक्टिविटीज दी हुई है, और एंड यहाँ पर से देख सकते हैं लाइब्रेरी साइंस का जो नंबर से दिया है वहाँ पर से देख सकते हैं। रिसर्च पेपर एंड रेफरेंस एंड यहाँ पर जो है आपको 10 पेपर के लिए आपको दिया है, आपको यहाँ पर 10 पेपर होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल पब्लिशर होंगे 12 नंबर दिया है अगर आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको 12 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर नेशनल पब्लिश किए हैं तो आपने 10 चैप्टर इन द एडिशन बुक, तो 5 नंबर एंड डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पर एकेडमिक एक्टिविटीज दी है बुक्स के रिलेटेड एंड डिफरेंट टाइप के, आपको डिफरेंट टाइप के नंबर्स यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर रिसर्च गाइड के दिया हुआ है, अगर PhD है तो आपको 10 पर डिग्री अवार्डेड दिया जाएगा, 10 नंबर से यहाँ पर नंबर से दिए हुए हैं, आप कैलकुलेट करके यहाँ पर से देख सकते हैं डिफरेंट टाइप का, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके UGC लिस्टेड है जर्नल से, अगर उसमें है तो आपको यहाँ पर नंबर दिया जाएगा, पॉइंट्स दिए जाएंगे नंबर से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए है आप मैं आपको PDF का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ लास्ट तक है, आप इजिली यहाँ पर रीड सकते हैं, मैं फुल डिटेल्स में नहीं बता सकता वीडियो लंबा हो जाने के कारण, तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे दूंगा, आप वहां से इजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो है कि हमारा गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट से है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF कुछ इस तरीके ओपन हो जाएगा, जैसे आपके सामने शो हो रहा है कन्नौज यूनिवर्सिटी का जनरल इंस्ट्रक्शन PhD एंड पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, आप इसमें लिखा हुआ है द एप्लीकेंट मस्ट रीड दिस डिटेल बिफोर फिलिंग ऑफ द फॉर्म। आपको जो जो फॉर्म फिलअप करने करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है, लास्ट डेट आपको 25 अक्टूबर 2009 तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। आपको जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको इसको रीड करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप भी वहां से डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के लिए, यहाँ पर 2000 फीस है जनरल के लिए, यहाँ पर जनरल OBC कैंडिडेट के लिए जो भी बिलोंग करते हैं केरला से OBC कैंडिडेट उन्हें 2000 पे करना है, और पे का मोड होगा SBI ऑनलाइन के जो SBI कलेक्शन है कलेक्शन के थ्रू पे होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो एंड यहाँ पर जो पेमेंट कैटेगरी है टीचिंग अदर डिपार्टमेंट अदर्स के लिए एंड 1000 रुपीज फॉर ST SC एंड PWD कैंडिडेट के लिए जो कि केरल से जो डोमिसाइल होंगे उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर से देख सकते हैं कि पेमेंट कैटेगरी जॉब अप्लाई एप्लीकेशन टीचिंग डिपार्टमेंट ST SC एंड PWD कैटेगरी का जो भी होगा उन्होंने, एंड फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड एनी सरकमेंस, यहाँ पर से डिटेल से दी हुई है, आप यहाँ पर से इजिली देख सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल डिटेल से दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मैंने यहाँ पर रीड किया है तो कोई ऐसा डिफिकल्टीज नहीं आएगी आपको फॉर्म फिलअप करने में। यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर प्रोवाइडर्स दे आर बिलो द एज सुपर एनुएशन, तो अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता है अगर सुपर अपर एज का, तो यहाँ पर एज का कोई वो नहीं है अभी दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ आर रिलेक्शन ऑफ 5 मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड मास्टर डिग्री ST SC एंड OBC एंड डिफरेंशियल एबल फिजिकल एंड विजुअल चैलेंज कैटेगरी, आपको 5 नंबर दिया जाएगा ST SC एंड OBC एंड PWD कैंडिडेट के लिए, आप वहाँ पर से भी दे सकते हैं। एंड डिफरेंट टाइप के यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर
सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन क्या है ऑप्शन है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन क्या जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा पेज। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि आपने ऑलरेडी देखी हुई है। तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के जो लास्ट डेट रिसीव है ऑनलाइन के फॉर्म के 25 अक्टूबर 2019 है, यहाँ पर रजिस्टर दिया हुआ है। जैसे रजिस्टर करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म रजिस्टर करना होगा, ईमेल फिल अप करना होगा एंड कंफर्म ईमेल करेंगे, देन आपको पासवर्ड चूज करना है मिनिमम 6 कैरेक्टर एंड मोबाइल नंबर पर डालने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो आपने यहाँ पर ईमेल डाला है एंड यहाँ पर आपने जो पासवर्ड फिल अप किया है, यहाँ पर अपना अगेन यहाँ पर करेंगे। जैसे हम अगर मैं करता हूँ 37 नाम देव 786, जैसे मैं अपना ईमेल आईडी डाला हूँ एंड पासवर्ड अगर मैं डालता हूँ, तो यहाँ पर अगर करने के बाद कुछ इस तरीके के आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि यहाँ पर आप जैसे शो हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। शो होने के बाद यहाँ पर से डिफरेंट हमें अप्लाई करना है इसके लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो भी है वो नंबर ऑफ सीरियल पोस्ट है, तो आपको यहाँ सबसे पहले अप्लाई नाउ में करना होगा। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट चूज करना होगा, हमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए करना है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी साइंस के लिए, यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दिया आ गया हम यहाँ पर। आर यू अप्लाइंग इन डिपार्टमेंट द सेम पोजीशन, आज आपने जो जिन्होंने कैंडिडेट ने ऑलरेडी 15 एंड 16 में अप्लाई किया है तो उन्हें यस करना होगा, अदरवाइज आपको नो करना होगा। और नो करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, आप वहां पर से भी देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो नोटिफिकेशन आपने स्टार्टिंग में दिया है ये नोटिफिकेशन आपने जो आपका, तो वहां पर सब कोई देखने यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपने इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना होगा। जैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर आपको 10th मार्कशीट एंड SSLC के सर्टिफिकेट अनुसार आपको यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करोगे, यहाँ पर स्टेप टू स्टेप दिया हुआ आपको स्टेप करने के बाद आपको लास्ट में सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको फाइल्स अपलोड हो करनी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट टाइप की फाइल्स हैं, फोटो सिग्नेचर 10th के, यहाँ पे यूजी पीजी एंड नेट एंड कम्युनिटी एंड पीडब्ल्यूडी के जो अप्लीकेबल हो आप यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अपलोड करना होगा। देन आपको फीस के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है फी का जो मेथड है कलेक्शन के लिए 1000 यहाँ पर पे नाउ से कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर डीडी ड्यू नंबर या बैंक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जो जब आपने यहाँ पे करेंगे, जैसे हम अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो SBI कलेक्शन में डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड करने पर होगा, प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनेंस ऑफ या कन्नूर यूनिवर्सिटी का आ जाएगा, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। और यहाँ पर टॉप का यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप सेलेक्ट कैटेगरी करेंगे, सेलेक्ट कैटेगरी में आप यहाँ पर आ जाएंगे सबसे नीचे, यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं जॉब जो जो कैंडिडेट जनरल ओबीसी से हैं तो उन्हें यहाँ पर टीचिंग डिपार्टमेंट अदर्स फिलअप करना होगा। जिन जिनका ST SC PWD कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ST SC PWD बिलोंग करेंगे। जैसे बिलोंग करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन आपको जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, देन आपको नेम एंड डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको अमाउंट 1000 का है। अगर हम यहाँ पर दूसरा कैटेगरी फिलअप करेंगे तो यहाँ पर 2000 हो जाएंगे, एंड रिमार्क कुछ भी डाल सकते हैं। देन आपको यहाँ पर नेम एंड यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको PDF फॉर्म में एक नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। देन आपको ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको सेव करना होगा, सेव करने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करना होगा, तो आप प्रीव्यू में हो जाएंगे। जैसे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा यहाँ पर पूरा शो होगा, जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा डैशबोर्ड में। एंड आपको देन आपको जो रिव्यू करने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स आप चेक कर आउट कर सकते हैं। चेक आउट करने के बाद आप जो आप डिटेल्स फिलअप करेंगे ये सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी, देन आपको सबमिट में प्रोसीड
प्रोसीड करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको क्लिक करना होगा एंड आपको फॉर्म सबमिट होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से वैकेंसी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।